बता दूँ इस एयरपोर्ट पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें इमिग्रेशन की तो काफ़ी सिंपल था, वो अलमाटी के टाइम के अकॉर्डिंग अलमाटी हमारे इंडिया से आधा घंटा आगे है। यहाँ का बहुत खूबसूरत माहौल है यार, और यहाँ पे इंडिगो का खुद का इमिग्रेशन काउंटर है। और सिम की कॉस्ट है 400 रुपये, आई है ना उसके ऊपर आपको 800 रुपये का और रिचार्ज कराना पड़ेगा। मैं निकला एक और नए इंटरनेशनल ट्रिप पे, और वो भी सोलो। सोलो ब्रो, ये पीछे देख रहे हो सवारी दिल्ली तक जाएगी, उसे आगे मैं सोलो जाऊंगा। तो भाई अपन जा रहे हैं अभी, और टाइम हो रहा है अभी 2 बजे का, रात को 9:30 बजे की फ्लाइट है। अभी दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना दिल्ली से, जैसे अपना पैक्ड फूड, पैसे बचाने के लिए। तो अभी चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट मिल। तो भाई अभी अपनी चल रही है पैकिंग, इधर साइड पे सारा विंटर और कपड़े, और इधर अपने साइड पे खाना सेफ्टी का, क्योंकि भाई नॉन वेज का इशू है। और आपको पता है कहीं भी जाता है पैसे बचाने का, ये एक तरीका है। एक टाइम का मील मैं लेके जाता हूँ, एक टाइम का ब्रेकफास्ट होता है होटल में मिल जाता है जहाँ भी होता है, और लंच तो पता नहीं कहाँ होएगा, तो इसलिए डिनर का मील अपने साथ लेके चलते हैं। तो भाई गेटअप हो गया अपना चेंज, फटाफट से मेट्रो पकड़ता हूँ और चलते हैं अपन लोग एयरपोर्ट। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, आई एम ट्रेवलिंग विद इंडिगो टू अलमाटी, तो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस वो आपको बताता हूँ। कीप वॉचिंग। फाइनली इन द मेट्रो, और अभी एयरपोर्ट मेट्रो बोर्ड करिए, बहुत लेट चल रहा हूँ, शायद ही मौका मिलेगा ड्यूटी फ्री और लाउंज जाने का, तो पता नहीं अभी कैसा रहेगा। अभी फटाफट से पहुँचते हैं, टाइम 6:45 हो गए, बहुत बुरा लग रहा है, मेरी खुद की गलती है, बट काफ़ी लेट हो गया मैं। और यहाँ पे इंडिगो का खुद का इमिग्रेशन काउंटर है, जो पहले ही सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यू कांट फ्लाई। गाइज, अब तक का लाइफ का सबसे अच्छा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक था, इतना इजी, इतना क्लियर। भाई इमिग्रेशन में मात्र 3 मिनट और सिक्योरिटी चेक में मात्र 10 मिनट। मैं लेट चल रहा था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं लेट हो जाऊंगा। और हाँ, खुशखबरी की बात, मेरे दोनों बैग उन्होंने लगेज में ले लिए, मुझे पता नहीं था कि 2 बैग्स अलाउड हैं, आई थिंक 1 अलाउड था, तो 2 बैग्स दे दिए। नाउ आई एम फ्री, और अभी चलते हैं अपना ऑल टाइम फेवरेट ड्यूटी फ्री। भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस, तुम्हारे भाई ने प्री बुक भी करा दी, और वो तुम्हें बाद में दिखाएगा लास्ट में कि क्या प्री बुक कराई है, क्या मस्त ऑफर मिला है। और एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए ड्यूटी फ्री का, ताकि उसमें आपको जो भी यहाँ के ऑफर्स और प्राइसेज है वो दिखा सकूँ। तो भाई अभी अपनी लाउंज में एंट्री होगी, थोड़ी सी भीड़ थी, 10 मिनट लगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ पहले लास्ट टाइम जब दुबई गए थे तब एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट अभी बिल्कुल अच्छा है, खाने को भी सब कुछ है, और मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट वे करते हूँ, यस एट द बार। और अभी इंजॉय करते हैं, इसके बाद अपना सफ़र है, तो कुछ और बातें हैं वो आपसे बाद में करते हैं। भाई इससे अच्छा मतलब लाउंज एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ, मतलब सीरियसली क्या चिल तरीके। भाजी कैसा लगा, मज़ा आया? और ये भैया कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मतलब जब मेरे को पता लगा ना ये दोनों अलमाटी जा रहे हैं और यहाँ बैठे हैं लाउंज में, मैं टेंशन फ्री हो गया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा जब तक ये नहीं जाएंगे। तो अब जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ, गड्डी ता चलू ता असीलू। तो भाई अभी चल रहे हैं अपने गेट्स की तरफ और फ्लाइट बोर्ड करते हैं। भैया ने बताया इंडिगो की फ़्लाइट है, जाते ही पहली सीट पर जाके ना सो जाना, तो अपन उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो अभी जाते ही सो जाएंगे और सीधा मिलेंगे आपसे अलमाटी में। टेम्परेचर क्या, ठंड होगी ना अभी तो पूरी, और स्नोफॉल के चांसेस है कुछ? एक वीक में हाँ हो जाएगी, होनी चाहिए। भाई अगर स्नोफॉल होगी ना तो पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि स्नोफॉल का मतलब पता क्या है, रोहतांग पास हम यही मनाएंगे सीधा। यहाँ का बहुत खूबसूरत माहौल है यार। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आप यहीं से हो ना? हाँ, मैं वहीं 20 साल से रहता हूँ। ओह, फिर तो ठीक है, अपना काम तो बन गया भाई। अपन देखो अब तुम्हें बढ़िया बढ़िया जगह दिखाएंगे अलमाटी की, तो अगर अलमाटी की प्लानिंग कर रहे हो तो आ जाओ। पूरा इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, नॉर्मल मेरा पासपोर्ट चेक करा, 3-4 पेज देखे, हाँ स्टैंप लगे हुए, फिर मुझसे पूछे रिटर्न फ्लाइट टिकट, वो मैंने दिखाई, कह रहे जाओ। मज़ेदार आज का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा ना, क्योंकि लाउंज भी एकदम बढ़िया, मतलब मज़ा किया, और इमिग्रेशन भी पूरा खाली था और सिक्योरिटी चेक भी। तो मैं अभी चलते हैं, फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताता हूँ इंडिगो। भाई इस बार मैं फ्लाई कर रहा हूँ इंडिगो के साथ, लास्ट इंडिगो के साथ सफ़र था आबू धाबी से, और अभी इंडिगो से 3.5 घंटे की फ़्लाइट रहेगी अपनी अलमाटी की। फ़्लाइट फुल खचाखच फुल है एकदम, मतलब टोटली फुल है, और यार दोस्त भी मिल गए हैं, मतलब हरियाणा वाले मिल गए, तो सफ़र अच्छा रहने वाला है।
ये देखो पूरी फ्लाइट फुल है। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 9:15 फ्लाइट टाइम था अभी, तो बोर्डिंग पूरी नहीं हुई, लेट जाएगी फ्लाइट। और लगभग 1:30 करीब वहाँ का 1:30 मैं अलमाटी में पहुँचूँगा। अलमाटी के टाइम के अकॉर्डिंग अलमाटी हमारे इंडिया से आधा घंटा आगे है, मतलब इंडिया में 10 बज रहे तो वहाँ पे 9:30 हो रहे होंगे। तो अलमाटी पहुँचते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है और वहाँ का विंटर कैसा रहेगा पूरा टूर आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाता हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय दिस व्लॉग। और आगे आने वाली धासू वीडियोज़ जो अलमाटी की अलग अलग जगह की आपके लिए बनाऊँगा, उन सबको देखना और एंजॉय करना। और वीज़ा की बात करें तो आप लोगों को पता है वीज़ा बिल्कुल फ्री है अभी अलमाटी के लिए, इंडियंस के लिए अलमाटी का वीज़ा फ्री है और नॉर्मल फ्लाइट मिल जाती है। मेरे को थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया, सीज़न एज इन वहाँ पे विंटर है और स्नोफॉल भी होने का चांस है इस वीक। तो अपन लोग अभी जा रहे हैं, घूमते हैं वहाँ पे एक वीक और देखते हैं कैसा रहेगा अपना एक्सपीरियंस। 5-6 दिन का अपना प्लान है और पूरी आइटनरी सेट है, आपको डेली अलग अलग दिन घुमाऊँगा अलमाटी का। तो भाई बोर्डिंग स्टार्ट होगी और हम आ भी गए अंदर। और ये हमारा जहाज जीवा, ये रहा इंडिगो का हवाई जहाज जो हमें लेके जाएगा इंटरनेशनल दिल्ली टू अलमाटी। और मतलब कि एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं है, कोई मील नहीं है, पानी की बोतल तो हमने ये भर ली इसके अंदर, हमने लाउंज से 6-7 पानी की बोतल भर ली क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता कब इंडिगो वाला दिमाग से क्या आ जाए, तो ये पानी मना कर सकते हैं। इसलिए भैया आपकी 2 बोतल इसके अंदर है, जब भी चाहिए हो सीट नंबर 28 से ले लेना। सीट नंबर जी भाई, अभी फ्लाइट के अंदर चलते हैं अपनी छोटी सी बस के अंदर क्योंकि इंडिगो इज लाइक बस। मिलते हैं फिर, एग्जिट भी खुला है भाई, एंट्री भी खुली है और एग्जिट भी खुला है, हम बाहर भी गिर सकते हैं। और ये प्लेन की स्पेशल बात है कि ना दोनों गेट ओपन करके उड़ेगा, ये देख सकते हो, ये देखो दोनों गेट्स ओपन है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन, दोनों गेट खुला, बैग भी खुला है, तो भैया कुछ भी हो सकता है। और मेरी सीट भी इमरजेंसी एग्जिट वाली है। हाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट भाई साहब, दिल्ली खुश हो गया, विंडो प्लस इमरजेंसी एग्जिट एकदम फुल राजे वाली सीट है भाई। है भैया बिजनेस क्लास विदाउट रिक्लाइनर है ना, और इसका रिस्क भी आएगा, गेट खोलने के लिए भी बोल देते हैं हवा में, नहीं नहीं कि गेट खोलना पड़ सकता है, नहीं नहीं मेरे को आता ही नहीं था। अभी आएंगे ना इंस्ट्रक्शन देने, 1 बज गया यहाँ का, अभी तो यहीं का आ रहा है। सो फाइनली वी लैंडेड और अभी अपन लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा यहाँ का इमिग्रेशन। और टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री, फ्लाइट हमें 40 मिनट पहले ले आई भाई, इंडिगो है 40 मिनट पहले, देख रहे हो बाबा जी। और ये भाई ड्यूटी फ्री अलमाटी का बिल्कुल छोटा सा, एकदम छोटा सा ड्यूटी फ्री आप देख सकते हो, और इससे बड़े तो हमारे इंडिया में कुछ स्टोर्स होते हैं। और परफ्यूम्स का कलेक्शन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा छोटा स्टोर है बट यस काफ़ी कुछ है अभी। और यहाँ पे करेंसी में दो ही चलते हैं मेजरली, अगर आपको यहाँ पे करेंसी देनी है तो ये या तो यूरो लेते हैं या फिर लेते हैं यूरो या फिर अपना डॉलर्स। तो भाई ड्यूटी फ्री काफ़ी क्यूट और छोटा बना हुआ है इनका, जैसे चॉकलेट्स का सेक्शन हो गया, लीकर्स का हो गया, प्रीमियम वाइन्स लीकर्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो अभी कुछ ना कुछ तो परचेज़ करते हैं यहाँ से और बाहर चलते हैं और अपना एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ शेयर करता हूँ अलमाटी सिटी का। तो भाई अपन लोग आगे बाहर, और ये अपने जितेंद्र भाई, अब आपको 6 दिन आपको इनकी शक्ल डेली देखने को मिलेगी। तो अपन ने अभी थोड़ी सी यहाँ के ड्यूटी फ्री से भी शॉपिंग करी है, दिल्ली से तो बैग लिया था खाली सामान रखने के लिए, बिकॉज दोनों बैग चेक इन में चले गए और मैं बिल्कुल फ्री होकर आया था और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अभी क्या सीन है, अभी अपन लोग आए हैं एयरपोर्ट भैया लेने आए और यहाँ से निकलेंगे अपने होटल जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है कल का सुबह मॉर्निंग का, तो बताऊँगा आपको अगले ब्लॉग में। अभी अगर बात करें इमिग्रेशन की तो काफ़ी सिंपल था, उसने पासपोर्ट देखा 4-5 स्टैम्प्स लगे हुए हैं तो उसने क्लियर कर दिया, और लेकिन देर काफ़ी लग गई। अभी 3 बज चुके हैं ऑलरेडी, 1:30 हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी भाई। हाँ मैं काफ़ी देर से वेट ही कर रहा था, काफ़ी देर होगी वेट करते करते, कब आएगा भाई बाहर। नहीं फ्लाइट तो जल्दी आ गई थी टाइम से पहले, लेकिन उतरने में काफ़ी टाइम लग गया। तो चलते हैं अभी अपने होटल
और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, ये करेंसी का बाहर निकलते ही एक ही मेन गेट है, वो आगे वहाँ से निकलते ही सारा करेंसी की शॉप्स है, और यहीं पे आपको सिम भी मिल जाएगा लेना चाहो तो। भाई के पास सिम है, मैं वाईफाई यूज़ करूँगा, करेंसी भी भाई के पास है, तो अपने को क्या चीज़। और हाँ भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस एयरपोर्ट पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो ये मत सोचना एयरपोर्ट पर उतर के वाईफाई से किसी को कॉल कर लेंगे, नो। थोड़ा छोटा है, थोड़ी मतलब दिल्ली वाला हिसाब किताब नहीं है ना इनका। भाई वो कितना छोटा है इनका ड्यूटी फ्री, इनका ड्यूटी फ्री माचिस के डब्बे जितना है एयरपोर्ट पे। इससे बड़ी तो हमारे वहाँ पे मोमोज की दुकानें होती है। एयरपोर्ट में वाईफाई भी अवेलेबल नहीं है और इनको लैंग्वेज समझ में आती नहीं है, तो भाई वो सब तो अभी देखेंगे 5-6 दिन में कि अपना एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर आप भी अल्माटी आने का प्लान बना रहे हो तो आ जाओ गाइज, सर्दी का तो एक्सपीरियंस होएगा अभी आपको वीडियोस में दिखाता हूँ, और हो सका तो आपको आने वाले टाइम में गर्मियों का भी एक्सपीरियंस कराएंगे फुल पैकेज के साथ। मार्च में दोबारा आएंगे, राघव को दोबारा बुलाएंगे। तो चलो निकलते हैं। तो भाई ये है यहाँ का करेंसी रेट, आप यहाँ पे बाहर करा सकते हो, विल बी कम पासपोर्ट। भाई ने दिए अभी $200 चेंज कराने के लिए, और कितने मिले ये जी? कुछ 96,000 रुपये, 46 का रेट चल रहा है अभी डॉलर का। तो गाइस ये है बी लाइन करके स्टोर है, बिल्कुल मतलब एग्जिट करके आप जैसे एग्जिट करो लेफ्ट लोगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा स्टोर, यहाँ से आप लोग अपने लिए सिम ले सकते हो, और सिम की कॉस्ट है 400 रुपये आई एन आर, उसके ऊपर आपको 800 रुपये का और रिचार्ज कराना पड़ेगा आई एन आर का बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको 10 GB डाटा मिलेगा, लगभग 1200 रुपये में 10 GB डाटा मिलेगा, तो इट्स अ गुड डील। यहाँ पे बी लाइन का सिम अच्छा चलता है, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, और साथ में कैफेज हैं और ATM भी है, तो यू कैन बी ट्रॉल। भाई बाहर आते ही क्या ठंड लगी, मतलब इतना मैं इतनी बॉडी मेरी है कि इसको जेल लगी, बट अभी फटाफट से कैब बुक कर ली हमने, येंडक्स गो करके यहाँ पे ऐप है जिससे आप कैब बुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विस है, और अभी अपनी गाड़ियाँ भी देख सकते हो, ये टेस्ला खड़ी है यहाँ पे टैक्सी में, 2-3 और गाड़ी है। सो गाइज ये है हमारी पहली टैक्सी राइड, येंडक्स गो से हमने बुक करी है, और गाड़ी आई है एलंट्रा वाइट कलर, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी। तो अभी चलते हैं अपने होटल में, अभी तो थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा है, बट जो भी मतलब बाहर ओपन में आपको ठंडा मिलेगा, अंदर सब जगह हीटर्स चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से। तो अभी चलते हैं अपने होटल और बाकी की बातचीत करते हैं, सी यू।